Hello guys, we have with us Sachin, who will tell us tips and tricks of SEO, and also guest posting, link building and tool by which you can check the backlinks of any website. So here we go. Last and the most, Fred होता है. जैसे आपने AdSense का नाम सुना, आप किसी भी websites पर जाते हैं, वहाँ पर ads आती है, आपको बहुत बार ads दिखती है, तो उससे क्या होता है, user की bounce rate होती है. जैसे मैं website पर गया, मैंने बार बार एड देखा, कंटेंट तो दिखाई नहीं, तो मैं वेबसाइट से चला गया वहां से, तो वो देखता है कि एड जो है वो कंटेंट सेंट्रिक है कि नहीं. कंटेंट सेंट्रिक है तो उस पेज को रैंक करवाएगा, कंटेंट सेंट्रिक नहीं है तो वो पेज को रैंक नहीं करता, उस वेबसाइट को रैंक नहीं करता है. तो ये सारे एल्गोरिथम्स हैं गूगल की, जिसमें हम इतना सब कुछ वो बार बार अपडेट कर, मतलब ये सारे गूगल के एल्गोरिथम जो अपडेटेड है वो है, राइट? जी बिल्कुल. पर जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी 4th of May को एक और अपडेट आया था. अभी मोस्टली सारे जो भी अपडेट आते हैं ना, वो कंटेंट रिलेटेड या यूजर इंटेंट रिलेटेड आते हैं. अब फॉर एग्जांपल मेरा यूजर इंटेंट क्या है, मैं अमेजोन पर जाता हूँ कोई चीज खरीदने के पर्पज से, मैं अमेजोन पर नॉलेज पर्पज से नहीं जाऊंगा. अगर वहां पर कॉन्टेंट डला हुआ है नॉलेज पर्पज से, तो वो यूजर इंटेंट के वे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो टोटली ई कॉमर्स वेबसाइट है. मेरा इंटेंट खरीदना है, मेरा इंटेंट इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है. वहां से ब्लॉक्स होते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ब्लॉक्स वहां से चीजें खरीदने के लिए नहीं होते, कंपैरिजन के लिए होते हैं ब्लॉक, समझाने के लिए होते हैं कुछ को. तो वहां पर एक यूजर इंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए वो कहते हैं ना कंटेंट इज द क्वीन. इंगेजमेंट तब आएगी जब कंटेंट अच्छा होगा वेबसाइट का, तभी वो रैंक करेगी. आप में से किसी को भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. सो गाइस, यू कैन पुट योर क्वेश्चन आंसर्स, एनी क्वेरी यू हैव यू कैन पुट इन द क्वेश्चन आंसर टैब. तो अगर हम ये देखें सचिन, ये सारे एल्गोरिथम जो है ये अपडेट हो चुके हैं. सो नाउ द लास्ट वर्जन जो भी आप बोल रहे हो कि 4th May को आया, तो वो कौन सा है और उसका क्या इंटेंट, उसका क्या यूजर इंटेंट ही उसका क्रक्स है? वैसे अभी कंटेंट को लेकर ही आया था, पर लास्ट टू लास्ट देखा जाए तो वो UX/UI को लेकर आया था, जो कि अभी 6 months बाद रिलीज होगा जनवरी में. उसमें गूगल ने एक हिंट दिया था कि अभी आप अगर वेब मास्टर कोई भी किसी के पास भी वेबसाइट हो, अगर वो वेबमास्टर एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर नया टैब ऐड हुआ होगा UX/UI का, जिसमें वो गूगल आपको बताएगा कि इस पेज का UX या UI अच्छा नहीं है एज कंपेरिजन टू योर कॉम्पिटिटर. फिर क्या होता है, जब भी कोई वेबसाइट पर आपका यूजर आता है ना, तो उसकी बाउंस रेट रिकॉर्ड होती है कि वो कितना टाइम गूगल की वेबसाइट पर उसने स्पेंड करा है. अगर वो आता है और चला जाता है तो आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट बहुत ज्यादा होती है. तो उसमें सर्टन फैक्टर्स होते हैं कि या तो कंटेंट अच्छा नहीं है या UX/UI अच्छा नहीं है आपकी वेबसाइट का. तो अभी गूगल ने क्या करा, गूगल ने आप हर चीज को प्रमोट कर रहा है, हर चीज को इवेल्यूएट भी करता रहा है साथ साथ में. एनी मोर क्वेश्चंस? आप में से कोई भी पूछ सकता है, फील फ्री टू आस्क. सचिन, क्वेश्चन आया है कि हाउ इज बाउंस रेट मेजर्ड? बाउंस रेट, आप कभी भी एनालिटिक्स चलाएंगे ना अपनी वेबसाइट का, तो उसके अंदर एक मेजर होता है एक्विजिशन, वहां पर आता है ऑल ट्रैफिक. ऑल ट्रैफिक के अंदर एक चेंबर बना होता है सेशंस करके, वहां पर आपका सेशंस भी आ जाएगा, वहां पर आपका न्यू यूजर्स भी आ जाएगा, वहां पर आपका बाउंस रेट भी आ जाएगा. और वहां पर आपको सेफ होता है कि कितने बार एक पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया और फिर बैक बटन दबा दिया या बाकी चला गया. एक सेशन वेबसाइट पर, एक सेशन तब क्रिएट होता है जब वो वेबसाइट पर आता है. फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पर गया और वहां पर मैंने टाइम स्पेंड नहीं करा, सिर्फ मैं उस वेबसाइट पर ऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू गया, तो एक सेशन क्रिएट हो गया. पर अब गूगल ने एक टाइम सेट कर रखा होता है 30 मिनट्स का, वो उसका टाइम है, वो अपन भी चेंज कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. बट जो ऑथेंटिकेट टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है टाइम. जब वो 30 मिनट्स सेम पर्सन स्पेंड करता है ना वेबसाइट पर, तब सेकंड सेशन क्रिएट हो जाता है. तो सेम बंदा अगर वेबसाइट पर आएगा तो एक सेशन क्रिएट हो गया, अब वो 30 मिनट स्पेंड करेगा तो दूसरा सेशन क्रिएट हो गया. पर बाउंस रेट कैसे डिफाइन होती है, जब वो बंदा उस वेबसाइट पर आया उसने 30 मिनट के प्रपोर्शन में कितना टाइम स्पेंड करा. जैसे मैंने 1 मिनट ही स्पेंड करा और मैं चला गया, तो वो उस अकॉर्डिंग मेजर होगी. अगर मैंने पूरा 30% टाइम स्पेंड करा होगा तो मेरे बाउंस रेट कम या ज्यादा नहीं होगी. पर वो उससे कम स्पेंड करता है, वो आता है और चला जाता है, तो उससे बाउंस रेट मेजर होती है.
तो आप वहां पर जब अपने एनालिटिक्स में जब उसको एनालाइज करेंगे ना, तो वहां पर सब आपको मिल जाएगा कि फॉर इस वीक में इतने यूजर्स आए थे, इतने सेशन क्रिएट हुए, इतने न्यू यूजर्स आए। अब क्या होता है, लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सेशन और न्यू यूजर में डिफरेंस क्या होता है, कि भाई सेशन तो मेरे बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं पर मेरे यूजर न्यू यूजर कम ही बता रहा है। ऐसा भी होता है जो बंदा पहले वेबसाइट पर आ चुका होता है ना, तो उसकी आईपी गूगल ट्रेस कर लेता है, तो उसको वापस न्यू यूजर नहीं बनाता। तो सपोज आपके न्यू आपके सेशन 1000 क्रिएट हुए, मतलब एक महीने में आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आए पर न्यू यूजर 500 है, तो आप ये समझ के चलिए जो 500 एक्स्ट्रा है ना वो मेरे पुराने यूजर है जिनको मैंने रिटेन करा है, जिनको मेरी वेबसाइट ने रिटेन करा है। तो न्यू यूजर तो आया है, साथ में जो मेरे पहले के थे वो भी है। और अगर ऐसा होता कि पहले मेरे पास 1000 यूजर आए थे, अब मेरे पास 250 यूजर आए, तो वहां पे बाउंस रेट बताएगी आपको कि इतनी परसेंट से बाउंस रेट आपकी इंक्रीज हो गई है। एनी मोर क्वेश्चंस? नो यू कंटिन्यू, और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आपको पूछती रहूंगी जो वो लोग पूछ रहे हैं। अब बेसिकली मैं बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ये अभी एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, इसमें एक होता है कंटेंट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, एक होता है कंप्यूटर एनालिसिस और एक होता है लिंक बिल्डिंग। तो फर्स्ट है कंटेंट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। कंटेंट डेवलपमेंट मार्केटिंग के अंदर ये होता है पहले कंटेंट को डेवलप करना। अब आप डेवलप किस बेस पर करेंगे कंटेंट को, आपकी वेबसाइट के बेस पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट आईटी रेट सर्विस देती है, जैसे कि आपने टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक ऐप होता है जिसके ऊपर आप फाइल्स मीटिंग्स कर सकते हैं। अब मैं उसकी सर्विसेज देता हूँ, तो जो मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा ना वो मैं उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग और उसमें क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल कितने वर्ड का कंटेंट होना चाहिए, क्या कीवर्ड कितनी बार रिपीट होगा। अब रिपीट की डेंसिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 वर्ड का कोई भी कॉन्टेंट लिखाता हूँ और उसमें पर्टिकुलर एक कीवर्ड जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम को मैं 10 बार रिपीट करता हूँ, तो मेरी डेंसिटी क्या बैठेगी, 1%। तो वैसे गूगल के अकॉर्डिंग 1-3% ऑथेंटिकेट होती है, बट वो भी आप डिपेंड करती है कि कंप्यूटर ने क्या डेंसिटी रख रखी है, तो उस पर कंप्यूटर एनालिसिस आपका बहुत रोल अच्छा होता है उसके अंदर। अब कंटेंट को ऑर्गेनिकली बूस्ट कैसे किया जाए, कंटेंट को शेयर करके। कंटेंट को आप कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हो, कंटेंट की लिंक आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, कंटेंट को आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां से रेफरल ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है वो है गेस्ट पोस्टिंग। जो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके उनको रिक्वेस्ट करके उनकी कंटेंट उनकी वेबसाइट पर अपना कंटेंट लाइव करवा सकते हो, जो कि अच्छी डीए की वेबसाइट होना चाहिए। यूनिक की 10 डीए है, 15 डीए। अब डीए क्या होती है, डोमेन अथॉरिटी होती है। डोमेन अथॉरिटी गूगल ने डिफाइन कर रखी कि 1-100 डोमेन अथॉरिटी होती है और 1-200 स्पैम स्कोर होता है। स्पैम स्कोर जितना कम उतना अच्छा, डीए जितना ज्यादा उतना अच्छा, दोनों अपोजिट इनवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। दूसरा आता है कंप्यूटर एनालिसिस, जो सबसे 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 मेन फैक्टर है एसईओ के अंदर, क्योंकि जब तक आप अपने कंप्यूटर को रेप्लिकेट नहीं करोगे और उससे अच्छा नहीं करोगे आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं हो सकती है। अब कंप्यूटर को आप एनालाइज कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन इन द एसईआरपी, जो गूगल पे उसकी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है वो किसी आईटी सर्विस कीवर्ड पर फर्स्ट पर रैंक करता है, तो मुझे अब क्या ऐसा करना है कि मैं वहां रैंक करूं। सबसे पहले तो उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा मेरा कॉम्पिटिटर बेसिकली है कौन, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कीवर्ड से जो रैंक हो रहा है पहले। उसके बाद मैं उसका ऑन पेज देखूंगा, कॉन्टेंट देखूंगा कि कॉन्टेंट उसने कितना बड़ा लिख रखा है, जो पर्टिकुलर कीवर्ड पर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ वो उसने कितनी बार रिपीट कर रखा है, जो उसकी हेडलाइंस लिखी हुई है उसके अंदर जो कीवर्ड है उसने कितनी बार यूज कर रखा है, उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन कितना कैची है, उसके इमेज के अंदर ऑल टेक्स्ट का डाला हुआ है। अगर जिसका ऑल टेक्स्ट नहीं पता है क्या होता है, उसको ये कहते हैं जो इमेज का नाम होता है, कि इमेज कभी गूगल पढ़ नहीं सकता है, उसके पीछे जो कीवर्ड अपन डालते हैं ना वो पढ़ता है, उसके बिहाफ पे उसको रैंक करता है। सर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? या विजिबल।
जैसे आपने देखा कि मेरा ये कीवर्ड है स्टेव यूके, इसमें बेसिक कंपनी का ब्रांड नेम भी है प्लस साथ में ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। जो मैंने आपको बताया था एक एल्गोरिथम होता है पोजिशन, उसके अंदर वो टारगेट लोकेशन भी देखता है कंपटीशन की। जब मैं इमेजेस के अंदर जाता हूँ ना, वेबसाइट तो रैंक कर रही है, जब आप देखेंगे कि सेम वेबसाइट का यूआरएल stave.co.uk में भी है, तो मैं इमेज पर जाता हूँ ना तो इमेज भी इस वर्ड पे ही रैंक कर रही है। जो आप देखेंगे stave.co.uk की इमेज भी इस कीवर्ड पर ही रैंक कर रही है, उसका ब्रांड लोगो भी जो है ना वो इस इमेज पर ही रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो अल्ट टेक्स्ट डला हुआ है वो डला हुआ होता है उसके कीवर्ड के नेम का। अगर मैं आपको और इन डेप्थ एक्सप्लेन करूं या इन डेप्थ और दिखाऊं तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। ये मेरी बहुत पुरानी वेबसाइट जिस पर मैंने एसईओ किया था, ये जैसे इमेज है इसको अपन इंस्पेक्ट करते हैं। जो आप देखेंगे कि इसमें क्या अल्ट डला हुआ है, स्टेव बीबी ग्लो यूके स्टेव, ये सारे के सारे ऑल टेक्स्ट जिसके ऊपर ये इमेज रैंक कर रही है। तो यहाँ पर ये ऑल टेक्स्ट भी होना चाहिए, जो कीवर्ड अपन टारगेट करेंगे ना पेज के लिए वो इमेज के अंदर भी होना चाहिए, तब जाके आपकी इमेज रैंक करेगी। और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप कैसे करते हो, थोड़ा उस पर आप आइडिया दोगे सचिन, कि हाउ डू यू डू द किसी कॉम्पिटिटर का देख के? जैसे कि आपने देखा ना अभी मैंने कीवर्ड डाला था तो वेबसाइट ऊपर आया था, अभी तो क्या ये वेबसाइट ऊपर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये बीबी ग्लो यूके थी, मैं कीवर्ड यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं बीबी ग्लो यूके डालता हूँ, ये वेबसाइट ऊपर आ रही है। अभी मेरी वेबसाइट सेकंड पर है, जब मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ ना तो आप देखेंगे कि इसने बीबी, इसका जब मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन देखता हूं आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे देख रहे हो सचिन, प्लीज बताएंगे? बिल्कुल, एक एक्सटेंशन होता है एसईओ मिनियन नाम का, इसको आपको अपने क्रोम में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ से सिंपल सी चीज है, यहाँ पर एनालाइज ऑन पेज एसईओ होता है, ये बेसिक ऑन पेज एसईओ देगा आपको कि उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आप देख सकते हैं इसने बीबी ग्लो वन टाइम, बीबी ग्लो टू टाइम यूज कर रखा है यहाँ पर, मतलब इसकी कीवर्ड की प्लेसमेंट जो टाइटल के अंदर है वो टू टाइम्स है। तो जब डिस्क्रिप्शन पे आते तो इसने वन टाइम या बीबी ग्लो भी यूज कर रखा है, वापिस सेकेंड टाइम या बीबी ग्लो यूज कर रखा है, फिर थर्ड टाइम आप इस बीबी प्रो यूज कर रखा है और यूके यूज कर रहा है। मतलब आप प्लेसमेंट देखेंगे कि टाइटल में दो बार रिपीट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में तीन बार रिपीट हो रहा है, फिर अपन हेडलाइंस पे चले तो इसकी इसने मल्टीपल H1 तक रखी। वैसे गूगल कहता है कि आप मल्टीपल H1 रख सकते हो, बट बेसिकली अपन को H1 एक ही रखनी चाहिए। अब इसने H1 में एक H1 में बीबी ग्लो रख रखा है, उसके बाद दूसरे H1 में भी बीबी ग्लो यूके रख रखा है, मतलब इसने मैनिपुलेशन तो कर ही रखा है, प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा कर रखी है। मतलब इसके H1 में भी है, इसने H2 में डाल के H3 में डाल रखी है, H3 में भी बीबी ग्लो का प्लेसमेंट है। फिर अपन अगर अल्ट टेक्स्ट पे देखते हैं तो इसकी 9 इमेजेस है पर 0 अल्ट टेक्स्ट है, मतलब यहाँ अपन रैंक कर सकते हैं, यहाँ अपने पास अपॉर्चुनिटी है। अपन को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल गई, इमेजेस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ अपन इससे अच्छा कर सकते हैं, इससे इमेज ज्यादा डाल के वहां पर अपना अल्ट टेक्स्ट दे सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी ओजी इमेज मिसिंग। मैं वो बताता हूँ, ओजी टाइटल, ओजी टाइप, ओजी इमेज, ओजी डिस्क्रिप्शन, ओजी यूआरएल। आपने देखा कभी भी अपन वेबसाइट का यूआरएल कभी भी गूगल फेसबुक पे या कोई भी सी वेबसाइट पर देंगे तो वो ऑटोमेटिक टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज फैच कर लेता है? यस। तो जो वो फैच करता है ना वो इन टेक्स्ट की वजह से फैच करता है, इन टेक्स्ट की वजह से फैच करता है। ये जितने भी टैग है ना यहाँ पे ओजी के, ये इनकी वजह से फेच करता है। अगर हम अपनी वेबसाइट में कहाँ डाल सकते हैं ओजी इमेज और ओजी टेक्स्ट? ये सोर्स पेज है, आपको सोर्स पेज विजिबल है वेबसाइट का? या विजिबल है।
आपको ये सब दिख रहे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं हाईलाइट होके ओजी लोगन ओजी टाइप ओजी टाइटल ये हेड के अंदर ही जाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ओजी लोकल में से जीबी ओजी टाइप क्या है, ये वेबसाइट टाइप है, टाइटल क्या है जो टाइटल इसने डाल रखा है यहाँ पे पूरा का पूरा टाइटल वहां डिस्प्ले होगा, ओजी का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्प्ले होगा, पर इसकी इमेज मिसिंग है तो वो इमेज फैच नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अपन ऑडिट करते हैं ना तो धीरे धीरे चीजें निकलती है कि क्या गलतियां हैं वेबसाइट के अंदर। ये तो बात हो गई सिर्फ हेडलाइंस की, बात हो गई टाइटल डिस्क्रिप्शन की और इमेज ऑल टेक्स्ट इन सब की बात हो गई। अपन ये अब इसकी वेबसाइट पर कंटेंट इतना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना, तो कंट्रोल एफ क्लिक करना है, बीबी ग्लो टाइप करना है तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ 12 बार रिपीट हो रहा है बीबी ग्लो। पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि कभी भी गूगल होता है ना वो ये चीज नहीं देखेगा, जो आपका फ्रंट है ना वेबसाइट का कभी वो ये नहीं देखेगा, वो देखेगा ये बैक एंड आपकी वेबसाइट का, कि उसको ये सब चीजें विजिबल नहीं होती, जो उसके क्रॉलर होते हैं स्पाइडर होते हैं गूगल के वो ये सब चीजें नहीं देख सकते, तभी तो इमेज रैंक नहीं कर पाती है। अगर इमेज को रैंक करना होता तो गूगल ये सब देखता है, पर गूगल बैक एंड देखता है, इसलिए अपने को यहाँ देखना है कि बीबी ग्लो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो बीबी ग्लो 45 टाइम्स यहाँ पर रिपीट। बट एक और इसका ट्रिक होता है, एक और टैग होता है, जब आप गूगल पर जाएंगे पर गूगल ने अभी उसकी इमेज क्या बना रखी है, उसकी इंडेक्स वेबसाइट जो भी लास्ट टाइम इंडेक्स हुई है, अपन इसी कैच कॉपी देखते हैं कि लास्ट टाइम इसको कब कैच किया गूगल ने, लास्ट टाइम जब गूगल इसकी वेबसाइट को विजिट किया था तब उसने 31 मई को विजिट करा था। आपने अभी देखा था इसका हाईलाइट हो गया ऊपर, आप सबको विजिबल हुआ था अभी? नहीं सचिन, दोबारा कर सकते हो, शायद वो विजिबल नहीं हुआ। तो हमने ये लास्ट टाइम उसने विजिबल करी थी, पर गूगल ने कैश क्या करी, तो गूगल ने अभी इमेज सेव कर रखी है ना वेबसाइट की, वो ये इमेज सेव कर रखी, ये अभी इमेज सेव कर रखी है। अब उसके बाद जो चेंजेस आया वेबसाइट के ऊपर, सपोज कोई चेंजेस इसने वेबसाइट पर करे हैं एट प्रेजेंट जून में, तो वो अभी सेव नहीं हुआ है, वो अभी इस पर सेव नहीं हुई, अभी गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं करा है। इस तरीके से आप पूरा ऑन पेज एनालाइज कर सकते हो। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पीपल ऑल्सो आस्क्ड भी आ रहा है, ये FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट सर्विस रिलेटेड, वो आप यहाँ से ले सकते हो और उनको एज ए यूज कर सकते हो, उनको एज ए यूज कर सकते हो अपने अंदर स्कीमा लगाने में। स्कीमा के ऊपर कुछ बताओगे सचिन? बहुत तरीके के होते हैं, स्कीमा FAQ स्कीमा भी होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन QA स्कीमा भी होते हैं, लोकल लिस्टिंग स्कीमा भी होता है, जो मैंने इस वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करा था वो था FAQ स्कीमा। विजिबल है आपको दोनों क्वेश्चंस वेबसाइट के ऊपर? हेलो, यस सचिन, आपको विजिबल है दोनों क्वेश्चन? बाकी सबको विजिबल हो रहा है उनके क्या? या सबको विजिबल। ये दो क्वेश्चंस मैंने इम्प्लीमेंट करे थे तो वो यहाँ पर वेबसाइट पर SERP पे डिस्प्ले होकर, इससे क्या होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है वेबसाइट को पुश होने का, कि वेबसाइट पर अगर मैं इन सबको देखूं तो ये सब कॉमन लग रहे हैं, पर जब मैं इस पे डिस्प्ले करता हूं तो यहाँ मुझे कुछ अलग लगता है, या मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बीबी ग्लो ट्रीटमेंट नेक्चुअल में है क्या, वो कब तक लॉन्ग लास्ट रहेगा, तो फिर मैं थोड़ा रिलायबल हो जाता हूँ कि यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो इस पे क्लिक तो CTR इंक्रीज करता है ये सब। पर ये यूनिक कि आपने लगाया और एक घंटे में या एक दिन में या एक महीने में आ गया, उसके लिए क्या होता है पहले तो कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करनी चाहिए, उसके बाद ही उसके बाद जब गूगल इसको कैश करता है ना फिर वो ऑटोमेटिकली शो करने मिल जाता है यहाँ पे। तो ये स्कीमा आपने कैसे डाला? आई एम सॉरी, आई मिस दैट पार्ट। ये स्कीमा कैसे डाला? स्कीमा बेसिकली प्लगइन से भी डल जाता है, स्कीमा कोड बना के भी डल जाता है, जैसे कि
वैसे इसके ऊपर एक प्लगइन से लगा हुआ है, FAQ प्लगइन ही होता है वो। आप इसको हमें कहाँ से मिल पाएगा वो प्लगइन? वर्डप्रेस का प्लगइन है। सॉरी, आप वर्डप्रेस का प्लगइन है, वर्डप्रेस का। अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर नहीं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आप कुछ नहीं करके आप एक लोग एक जनरेट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोड लिखना रहेगा, राइट? कोड लिखना बहुत इजी हो गया अभी तो, और हमेशा जेसन एलडी का स्कीमा ही अपने को यूज करना है। ये जितनी भी वेबसाइट आई है नहीं, ये आपको हाथों हाथ क्रिएट करके मिल जाएगी। गूगल के खुद के इतने प्रोडक्ट आते हैं कि वो आपको इजीली यूज कर दे सकते हैं। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर डाटा मार्कर बेल पर? हाँ दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपना यूआरएल या डालना है, थ्रेड करना है कि कौन सा बनाना है। फॉर एग्जांपल लोकल बिजनेस का बनाना है, आपको टैगिंग शुरू करनी है, वो अपने आप डाटा फेच करेगा कि वेबसाइट पर क्या डाला हुआ है, और अपने को सिंपली कुछ एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। पर ऑलवेज यूज जेसन एलडी, माइक्रो डेटा नहीं, कोई दूसरी नहीं, सिर्फ जेसन एलडी, क्योंकि गूगल जेसन एलडी को ही प्रेफर करता है। आपके सामने वेबसाइट आ गई, अब मेरे को बेसिकली नेम चाहिए, यहाँ पर वेबसाइट का नेम क्या है, मेरी वेबसाइट का नेम है स्टाइप, तो मैं क्लिक करके यहाँ पे ये बेसिक बंद नहीं होगा क्योंकि एक टूल चल रहा है, मैं उससे बताता हूँ कि इसमें इसको डिसेबल करना पड़ेगा पहले, वहाँ बैक एंड का भी ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी दूसरी जगह आप बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी क्वेरी आ रही है तो। हाँ चल दे, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू पुट द टू और मेनी ऑल टैग इन अ सिंगल इमेज? सॉरी क्या मैं ऑल टैग, क्या बोला, आवाज नहीं है? ऑल टैग क्या हम लोग ज्यादा भी डाल सकते हैं एक इमेज में? नहीं, जितने इमेजेस हैं आपके पास में, जरूरी नहीं है। अगर आपका कीवर्ड जैसे आईटी सर्विसेज है, तो आपको आईटी सर्विसेज से डालना है, उससे रिलेवेंट भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईटी सर्विसेज इन ऑस्ट्रेलिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो आपको हर इमेज में एक वेरिएशन यूज करना है, क्योंकि बेसिकली अपन रिलेवेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो सचिन देर आस्किंग कि हम ऑल टेक्स्ट जो कीवर्ड है वो कितने डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर इमेज के लिए? आप अगर फॉर एग्जाम्पल दो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो एक कीवर्ड पाइप, सेकेंड कीवर्ड, पर बेसिकली वही कीवर्ड ज्यादा यूज करना जिसकी वॉल्यूम ज्यादा हो, इसका कंपटीशन कम। तो पाइप पे यूज करने से वो दूसरा उसको कीवर्ड कंसीडर करने लगता है, राइट? नहीं, ऐसे कोई पाइप लगाने से दूसरा कीवर्ड कंसीडर नहीं करेगा। गूगल के अगर आप कभी गूगल पे लिखते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XYZ, तो वो XYZ का मीनिंग ही देता है, क्योंकि उसकी लर्निंग ऑलरेडी बनी हुई है। अपन उसकी लर्निंग को और इनहेंस करते हैं, उसको बताते हैं कि ये इमेज दो चीज के बारे में। वैसे तो आप एक डालें तो बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा सूटेबल एक इमेज के लिए एक ऑल टेक्स्ट ही होता है। अगर आपको दूसरा भी डालना है तो उससे रिलेटेड इमेज डाल दो आप। अब आप कंप्यूटर लैपटॉप भी बेचते हो अपनी वेबसाइट पर, कंप्यूटर पीसी भी बेचते हो, तो आप एक में लैपटॉप डालोगे और एक में कंप्यूटर डाल दो। अब आप लैपटॉप में तो कंप्यूटर लैपटॉप दोनों डाल नहीं सकते, तो वो क्या थोड़ी ब्लैक हेड वाली प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पेज विजिबल हो गया? या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राइट क्लिक करा वेबसाइट की नेम पर, मैं नेम पे होल्ड करता हूँ तो राइट साइड में भी नेम लिखा आएगा, नेम के नीचे डिजाइनर आ गया। अब मुझे इसकी इमेज डालनी है, अभी वेबसाइट पर कोई इमेज है नहीं पर्टिकुलरली इस ब्रांड नेम की, तो मैं इस कार को ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके इमेज पे लिख रहे हैं तो वो इमेज फेच कर लेगा यहाँ पे।
अब मुझे यहाँ पर टेलीफोन नंबर, ईमेल डालना है, तो अगर वेबसाइट पे अवेलेबल हो तो, वैसे वेबसाइट पे अवेलेबल है नहीं, ना एड्रेस अवेलेबल है ना कुछ अवेलेबल है, तो इस तरीके से जैसे आप जब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट क्लिक करके डालना है, जैसे अब यूआरएल फेच करना है, तो मैं इसमें गया, एड मिसिंग टैग में गया, टैग टाइप डाला, यूआरएल है, मैंने जो यूआरएल वहां से कॉपी पेस्ट करा था ना, वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके इसको सेव कर देना है और वो वहाँ यूआरएल फेच कर देगा। जब आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें भर देंगे ना, तब खाली सिंपली क्रिएट एचटीएमएल करना है, आपको वो सोर्स बना के दे देगा। अच्छा। और ये आपको यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है, ना कोडिंग आने की जरूरत है आपको, आपकी वेबसाइट के सोर्स में जाके हेड में करना है, जो बैकएंड होता है ना, मतलब बैकएंड होगा ना वेबसाइट का, उसके हेड में पेस्ट करना है। तो किसी पर्टिकुलर पेज के कि होम पेज के हेड में करना है? होम पेज के हेड में करना है, क्योंकि ये लोकल बिजनेस का है, लोकल बिजनेस हमेशा होम पेज को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सर, अगर FAQ करना है तो मुझे किसी सर्विस पेज पे करना है तो एक बात अलग। तो मुझे वो FAQs का भी बताइए जरा, कैसे करेंगे सिस्टम? वो अभी मेरा बैकएंड का नहीं है, बट आप, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जिस दिन की वेबसाइट वर्डप्रेस पर होती है तो वहाँ प्लगइन इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है। ये रहा, आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। सिंपली डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप उसी के अंदर ये डाउनलोड हो गया, देखा, इसको जाके खाली आपको अपलोड करना है वहां, और कुछ भी नहीं है। सबसे इजीएस्ट वे प्लगइन का ये, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बार बने होते हैं, आपको खाली क्वेश्चन आंसर डालने होते हैं बस, ना कोड का झंझट ना किसी और चीज का झंझट, बहुत इजीली खाली प्लगइन इंस्टॉल करा, क्वेश्चन डाला, आंसर डाला। बट उससे पहले जो काम करना पड़ेगा वो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, वेबसाइट पहले रैंक होनी चाहिए कीवर्ड पे। अब मेरा बेसिकली कीवर्ड स्टाइव है, बीबी ग्लो पे रैंक हो रही है, स्टाइव पे रैंक हो रही है, तो उसके अंदर मुझे रिपीट होनी चाहिए, बीबी ग्लो रिपीट होना चाहिए। अगर बीबी ग्लो यूके पे मेरी वेबसाइट रैंक हो रही तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर बीबी ग्लो होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। यू नहीं कि मैंने बीबी पेज तो मेरा किसी और चीज के बारे में, एप्लीकेशन लगा रहा हूं मैं किसी और चीज को लेके। एक क्वेश्चन आया है सचिन का, व्हिच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट टू बिल्ड एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट? वर्डप्रेस सबसे बेस्ट वर्डप्रेस, बिकॉज आपको अगर कोडिंग भी नहीं आती तो आप इजीली उसके अंदर जाके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थीम्स अपलोड करनी है, आपको सारा काम प्लगइन से करना है, इजीली सब कुछ हो जाता है। और अगर तो भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे जाओ ना, आपको आधे आधे घंटे के अंदर बनाना सिखा देंगे। सिर्फ होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, वो एक अलग चीज हो जाती है, बाकी वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ईजी वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट वर्डप्रेस ही देता है। अब उसके अलावा बैकलिंक एनालिसिस होती है, बैकलिंक बेसिकली ये होती है कि कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बना रखी है, वो आप टूल्स होते हैं एशरफ करके, उससे आप पूरी वेबसाइट, पूरे आपके कॉम्पिटिटर की कहाँ कहाँ उसने बैकलिंक्स बना रखी है, किस किस प्लेटफॉर्म पे बैकलिंक्स बना रखी है, उस बैकलिंक का डीए क्या है। मैं आपको डीए बताता हूँ पहले, डीए और स्पैम स्कोर क्या होता है। एक्सटेंशन डालना पड़ेगा अपने क्रोम में, जिसका नाम मॉज है, इसको मॉज बार भी कहते हैं। इसके लिए कह रहे हैं सचिन, मॉज बार डालने के लिए, एक्सटेंशंस के लिए। आपको दिख रहा है इस वेबसाइट का डीए है 11? नहीं 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 सचिन, आपने शायद सिर्फ और सिर्फ ये एसईओ लिंक बिल्डिंग प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है।
अब दिखाई दे रही है आपको चेंज किया मैंने पेज? नॉट येट, अभी तक तो नहीं। टिल देन मैं यूजर्स को ये बता देती हूँ कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। बैकलिंक्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट से कौन सी और वेबसाइट्स हैं जो लिंक कर रही हैं, और जितने ज्यादा ये ऑथेंटिक लिंक्स होते हैं उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करती है, क्योंकि गूगल को लगता है कि आप ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, इसलिए वो उसको और ज्यादा रैंक करते हैं। सो मेक श्योर जब भी आपको कोई भी बैकलिंक मिल रहा हो किसी भी साइट से, तो उसका डीए अच्छा होना चाहिए, और डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। सचिन, आप डोमेन अथॉरिटी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? आपको भी मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं नहीं सचिन, विजिबल नहीं। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि उबर सजेस्ट है, उसमें हाँ, आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो आपको नाउ इट विजिबल, या ग्रैब बेस इंडिया था वही ना सारे? ये भी हमारी एक वेबसाइट है, जैसे आपको देख रहा है यहाँ पे डीए ऊपर आ रहा है। ओके, ये डोमेन अथॉरिटी है। ओके, तो आपने यहाँ पे बोला कि मॉज बार आपने पहले इंस्टॉल किया है अपने क्रोम पे। ये आपको दिख रहा है ऊपर? ये दिख रहा है आपको, मैं दिख रहा हूँ। अब आपको विजिबल है मॉस बार लिखा हुआ है? विजिबल। ये एक्सटेंशन है बेसिकली, ये आपको ऐसे दिखेगा ऊपर राइट हैंड साइड में, मेरा कर्सर के यहाँ दिख रहा होगा एम लिखा हुआ। यस यस, तो ये एक बार होती है जिसको आप इस पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, बहुत सिंपली होता है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पीए आ रहा है, डीए आ रहा है, स्पैम स्कोर आ रहा है। अब ये पीए मतलब पेज की अथॉरिटी क्या, मतलब इस पेज की क्या अथॉरिटी बिल्ट है, तो वो 5 आ रही है। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी, मतलब डोमेन गूगल की आईज में आउट ऑफ 100 कहां रैंक कर रहा है, जो कि है 2। स्पैम स्कोर 0, मैंने पहले भी कहा था जितना ज्यादा डीए और जितना कम स्पैम स्कोर। मैं दूसरी तरफ दिखाता हूं, इसका स्पैम स्कोर देखो अलग आ रहा है, इसका पीए अलग है, पे अथॉरिटी इसकी अलग है। आप आइडिया ब्रिज का लिंक डालोगे? सो क्या चीज? आइडिया ब्रिज, आइडिया ब्रिज डॉट डॉट इन डॉट कॉम। अब आप सब देखिए कि इसमें डीए 2 है, इसका स्पैम स्कोर 0 है, इसका डीए 11 है, इसका स्पैम स्कोर 0 है, इसका डीए 12 है, स्पैम स्कोर 16 है, मतलब डीए से भी स्पैम स्कोर ज्यादा है। तो वरी करने की बात है कि स्पैम स्कोर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 12 डीए तो मेरी 2 हो, 1 हो चलता है, या 0 हो चलता है, 5 भी हो चलता है, बट उससे ज्यादा तो बहुत, मतलब स्पैम स्कोर जितना कम। सचिन, ये स्पैम स्कोर वो निकालता कैसे, मतलब हाउ स्पैम, कैसे वेबसाइट स्पैम में कैसे? जैसे आप कंप्यूटर का बैकलिंक एनालिसिस करते हैं ना कि हमको कहाँ बनाना है, तो अपन जब कहीं भी बनाते हैं ना, तो वहां पर अपन डीए और स्पैम स्कोर को चेक करते हैं कि डीए क्या है, स्पैम स्कोर क्या है। अब बहुत लोग क्या होते हैं, जो इररिलेवेंट वेबसाइट हो गई और इररिलेवेंट लिंक्स हो गए, या बहुत हाई स्पैम स्कोर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेबसाइट थी, कोई लोकल लिस्टिंग मान लेते हैं अपन, लोकल लिस्टिंग पूरी स्पैम ही होती है, उसका स्पैम स्कोर था 50, मैंने उस पर लिंक बना दिए, ऐसी 4-5 वेबसाइटों पर मैंने लिंक बना दी। तो अगर डोमेन अथॉरिटी में, अथॉरिटी मेरे पास पास आ रही है, अच्छा डीए है, उसकी अथॉरिटी आ रही, तो उसका स्पैम स्कोर भी तो आएगा ही ना। जहाँ अच्छी चीज आ रही है तो वहाँ बुरी चीज भी आ रही है, तो वो स्पैम स्कोर बढ़ा रहता है। अब उसको कम कैसे करना, जितनी मेरी स्पैमी लिंक्स बनी हुई है उनको एनालाइज करना कि मैंने लिंक्स कहाँ बना रखी है, पूरा एक चार्ट बनाना है, ये थाउजेंड्स मैंने लिंक बना रखी है, इन सबका डीए ये है, और इन सबका स्पैम स्कोर ये है, और इन सबका नीश ये है। स्पैम स्कोर जिसका ज्यादा है वो तो हटानी ही है,
ठीक है, और जो इररिलेवेंट है उसको भी हटानी है। अब हटानी कैसे है, या तो वेबमास्टर में वेबमास्टर के थ्रू हटानी होती है, या फिर आपको उन उन वेबसाइट्स के ओनर को रीच करना होता है ईमेल करके कि एक्स वाई जेड रीजन से हमको ये लिंक वहां से हटानी है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस रहता है जिससे आपका स्पैम स्कोर कम होता है। और कंटेंट भी कभी कभार क्या होता है उसका बहुत इररिलेवेंट है, बाउंस रेट बहुत ज्यादा आ रही है, तो स्पैम स्कोर कई बार वहां से ही बढ़ जाता है। अच्छा एक बात बता सकते हैं, क्या हम अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा लिंक किसी और वेबसाइट पे ना बने, सच दैट कोई स्पैम स्कोर वाली अच्छी ज्यादा है जिसका, और वहां पे कोई हमारी वेबसाइट का लिंक डाल दे तो हमारा स्पैम स्कोर इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, क्या हम ऐसा स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा स्टॉप नहीं कर सकते। क्या होता है, आप जब बना रहे हो आप अपने अकाउंट की अपने वेबसाइट की लिंक बनाते हो तो आपको कोई देख सकता है क्या बनाते हो, या आप खुद अपनी वेबसाइट बनाते तो आपको अलर्ट आता है? ये वही बात है कि गूगल पे कोई अलग डिवाइस से मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो वो अलर्ट भेज रहा है, पर यहाँ पर ऐसा है जो कभी कभार तो कंप्यूटर की लिंक बना देते हैं आपके। एग्जैक्टली, तो काम आता है कि आपको स्पैम स्कोर अगर हम देखें तो इस तरह तो वो बहुत, मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट देखी है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सचिन, आप प्लीज थोड़ा पास आएंगे लैपटॉप के। मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी देखी है कि जिनका स्पैम स्कोर 20-30 है, सॉरी डीए 20-30 बट स्पैम स्कोर 70-80 चलता है। तो कई बार क्या होता है लिस्टिंग वेबसाइट पे, मैंने इतनी लिंक, कोई लिस्टिंग वेबसाइट ओनर होता है ना उसकी वेबसाइट पर तो क्या होता है लोग आके लिंक बनाते हैं, अब उसके बाद तो लिंक का फ्लो इतना सारा आ गया तो गूगल ये चीज देखता है कि भाई गूगल मेरी वेबसाइट पर वो देखा है मेरी लिंक कहाँ कहाँ बनी, किन किन स्पैमी वेबसाइट्स पर बनी है, तो वहां का स्पैम स्कोर तो फ्लो हो ही गया। तो मेरे पास भी स्पैम स्कोर तो वो वहां भी फ्लो हो जाएगा कि मेरे पास लिंक आ भी रही और जा भी रही है। देख फ्लो एक जो कहते हैं ना कि पाथ मिलता है गूगल को। अब अपन अच्छी डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पर लिंक क्यों बनाते हैं, ताकि गूगल वहां पर जाए, वहां से एंकर टेक्स्ट है उस एंकर टेक्स्ट को पढ़े, उस पे वेबसाइट पर आए और उस वेबसाइट को उस एंकर टेक्स्ट पे बढ़ाए और वहां से जो अथॉरिटी पास करे ना, ताकि मेरा अगर 10 है तो अथॉरिटी पास होगी तो 10 से वो 11 होगा तो वहां पर स्पैम स्कोर भी तो आएगा, तो गूगल को पाथ मिल रहा है ना, यहीं पर तो होता है। कंप्यूटर लैब्स में सब कुछ ही होता है कि उसने लिंक्स कहाँ बना रखे हैं, उनको एनालाइज करना, उनको रेप्लीकेट करने की कोशिश करना, वहां बनाने की कोशिश करना, क्या हम वहां बना सकते हैं, पर ये नहीं कि स्पैम बना रखी है इररिलेवेंट पे बना रखी तो अपन बना दे, नहीं। कॉम्पिटिटर्स की रैंकिंग को चेक करते रहना और खुद की भी, कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक एनालाइज करना, ट्रैफिक कैसे आप एशराफ और सैमरस यूज करेंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा आपको। वैसे तो सैमर वैसे तो कॉम्पिटिटर ट्रैफिक एनालाइज होता है और रैंकिंग होती है, ये इतना तो मेजर इम्पैक्ट नहीं डालते। जो मेजरली चीज होती है वो कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना, उनका ऑन पेज देखना, उनकी बैकलिंक्स को एनालाइज करना, क्योंकि अपन एट दैट उनसे ही भिड़ रहे जाके, अपन को उनको ही डाउन करना है। तो अगर उसकी वेबसाइट पर 1000 वर्ड का कंटेंट है तो मुझे 1500 वर्ड का कंटेंट लिखवाना है, अगर 10 बार कीवर्ड रिपीट है तो मेरे को एक दो बार एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को आगे निकलना तो उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या उससे कहीं अच्छा करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? बेसिकली लिंक बिल्डिंग क्या होती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक्स अर्न करना। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स क्या हो गई, जैसे अपनी वेबसाइट के अलावा जितनी भी दूसरी वेबसाइट होती है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से होती है, फॉर एग्जाम्पल टम्बलर हो गया, मीडियम हो गया, ब्लॉग लविन हो गया, यहाँ से आप फ्री में अपनी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लोकल लिस्टिंग हो गई, आज एक GMB लिस्टिंग है तो वहां से भी आपको लिंक मिलती ही है। GMB मतलब गूगल मैप बिजनेस हो गया, बिंग मैप प्लेसेस हो गया, तो आपको सब वहां से लिस्टिंग से ही मिलेगी, बैकलिंक से ही क्रिएट होगी। लेकिन सचिन जब मैं अपने गूगल अपनी जो वेबसाइट की बैकलिंक चेक करती हूँ तो गूगल मैप बिजनेस की लिस्टिंग तो नहीं दिखाता उसमें, क्योंकि वो गूगल का ही प्रोडक्ट है ना। नहीं, अगर मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको एक इजी सी चीज बताता हूँ, आपको कभी भी ट्रेस करना हो ना कि उससे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर मैंने GMB क्रिएट कर रखा तो उसका यूजफुलनेस क्या हो रही है। आपने UTM का नाम सुना, UTM लिंक बिल्डर होता है? नहीं।
कैंपेन्स के लिंक बनते हैं। UTM लिंक बिल्डर बेसिकली करता क्या है कि आपकी ट्रैफिक फ्लो को चेक करता है कि वो किस सोर्स से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को मैंने यहाँ डाल दिया, मेरा कैंपेन सोर्स क्या है, मतलब वेबसाइट पे मतलब कहाँ से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, GMB लिस्टिंग से आ रहा है, GMB लिस्टिंग। मीडियम क्या है, ऑर्गेनिक, वहां से तो ऑर्गेनिक ही आएगा आपको। कैंपेन नेम डालने की जरूरत नहीं, ये आपको लिंक क्रिएट कर देगा। अब जो ये लिंक है ना, आपको दिख रही होगी कि ये मेरी वेबसाइट है। आपने देखा GMB लिस्टिंग के अंदर आपको आपकी वेबसाइट डालने का एक ऑप्शन आता है, राइट राइट। वहां पर आप बेसिकली क्या डालोगे, ideabridge.co ही डालोगे, पर आप कभी भी ये फेस नहीं कर पाओगे कि वहां से ट्रैफिक का सोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास में, करेक्ट। पर वहां पर जब आप ये लिंक डालोगे ना, तो वो रेफरल्स के अंदर आपको बताएगा कि रेफरल्स के अंदर यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर GMB लिस्टिंग वहां पर आगे लिखा होगा। उस पूरे पाथ के अंदर एक मैं आपको एनालिटिक्स का पूरा ओवरव्यू कभी दे दूंगा, उसके अंदर आपको पूरा पता पड़ जाएगा इस वेबसाइट से, इस थर्ड पार्टी वेबसाइट से या इस रेफरल लिंक से मेरे पास में ट्रैफिक आ रहा है। तो आप UTM लिंक्स को कभी अगर आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट में यूज करोगे ना लिंक्स बनाने के लिए, तब पता पड़ेगा वहां से भी आ रही है आपके पास में ट्रैफिक आ रहा है वहां से आपके पास में, क्योंकि GMB गूगल का ही प्रोडक्ट है। सॉरी, उसमें कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर उसकी बैकलिंक को एनालाइज करना, उसका ऑन पेज, उसका टेक्निकल देखना, उसके कीवर्ड्स को एनालाइज करना, उसके ब्लॉग्स, उसके प्रोडक्ट पेज को एनालाइज करना। कभी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट भी होती है जिनकी वेबसाइट रैंक ही इस वजह से कर देंगे कि उनके अच्छे से ब्लॉग्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि जितना ट्रैफिक ब्लॉग लेके आते हैं ना, उतना ट्रैफिक कोई वेबसाइट का होम पेज नहीं लेके आ सकता, क्योंकि अधिकतर वेबसाइट की होम पेज पे कंटेंट कम होता है और ब्लॉग्स पर ज्यादा होता है, इसलिए लोग ब्लॉग्स को बहुत प्रमोट करते हैं, इसलिए तो ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक इंटरनल लिंकिंग के थ्रू पूरी वेबसाइट में स्प्रेड हो जाता है। तो वो एक बिहेवियर बनाता है कि यूजर का बिहेवियर क्या है, वो होम पेज पर आया। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपकी वेबसाइट 5 प्रोडक्ट में डील करती है, AC, TV, उसके अंदर AC भी आ गया, TV भी आ गई, फ्रिज भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी आ गया, ना ट्रिमर्स आ गए। अब आपको देखना है कि इन 5 पेजेस में से सबसे ज्यादा वेबसाइट पर जब होम पेज पर कोई भी बंदा लैंड करता है तो वो कहाँ जाता है। वो बिहेवियर फ्लो ही आपको एनालिटिक्स से पता पड़ेगा कि होम पेज पर आया तो वो वॉशिंग मशीन पे गया, होम पेज पर आया कि वो AC वाले पे गया। तो वहां से क्या होती है, वहां से मुझे पता पड़ता है कि इन 5 प्रोडक्ट में से कौन से 2 या 3 प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, तो मैं उनको प्रमोट ज्यादा करता हूँ, या फिर जो नहीं बिक रहे हैं, जिन पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, उनको ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो यहाँ थोड़ा एनालिसिस का काम आता है, वहीं पर कंप्यूटर का देखना पड़ता है आपको कि कंप्यूटर किस किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, किस प्रोडक्ट वाले कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, किस लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी का, उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना वो अपने हाथ में। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हो, अगर हम ब्लॉग्स लिखते हैं तो हम लोग किसी और वेबसाइट पे जाके, जैसे मीडियम है उस पे जाके ब्लॉग लिखें, या अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखें? ऑफ कोर्स अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखोगे ना, बट मीडियम से तो हमें फिर बैकलिंक भी क्रिएट हो जा रहा है उसका, तो वो तो बिना ब्लॉग लिखे भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप 3 लाइन या 100 वर्ड का या 150 वर्ड का कुछ भी डाल देंगे, देखो क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कंटेंट की मार्केटिंग करनी है तो कंटेंट सेग्रीगेशन होता है, मतलब जहां अभी जिन वेबसाइट्स पर आपका जहां पे आप फ्री में ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो ना, वही सेम ब्लॉग या उस ब्लॉग का एक ओवरव्यू डाल सकते हो ना, तो वहां पर मीडियम आता है, वहां पर ब्लॉगर्स आता है, वहां पर ब्लॉग लॉगिन आता है, वहां पे आर्टिकल स्क्रेड जैसी वेबसाइट आती है, यहां से आप बैकलिंक्स अर्न कर सकते हो। वो लिखते हैं ना कुछ लोग,
थोड़ा ओवरव्यू लिख देंगे 100 वर्ड का, नीचे लिखेंगे टू नो मोर क्लिक हियर, तो वो एक रेलेवेंसी पास कर रहे, उस पाथ बना रहे अपने उस वेबसाइट उस ब्लॉग का। बेसिकली आप अगर ब्लॉग कभी बनाते हो ना, तो उससे पहले क्या होता है, कंटेंट कैलेंडर क्रिएट होता है, और कंटेंट कैलेंडर क्रिएट होने से पहले उस ब्लॉग को लिखना किन किन कीवर्ड्स पर है, कोई ट्रेंड में क्या कीवर्ड चल रहा है, कोई ट्रेंड में क्या टॉपिक चल रहा है। जैसे ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, COVID-19 बहुत ट्रेंड में था। आप देखो तो इसका 3 महीने में जो ट्रेंड आया ना, 3 महीने जो ये 3 महीने में जो ये कीवर्ड अप हुआ ना, मतलब सर्च वॉल्यूम होगी ही नहीं इसकी 3 महीने, जनवरी तक तो 100 भी नहीं होगी, और अब अगर आप देखो ना तो लाखों में है। तो अब ट्रेंड क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेके कुछ भी टॉपिक हो गया, या COVID-19 को लेके हो गया, या हेल्थ बेनिफिट्स को लेके हो गया, या अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कैसे करें ताकि अपन COVID-19 से अपन उससे लड़ सके, तो ये टॉपिक्स हो गए। अब उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी उस क्या क्या का कीवर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, फिर उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पूरा ब्लॉग लिखना पड़ेगा, और फिर उसको आपको अपनी पब्लिश करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पर लाइव करना पड़ेगा। अब उसकी मार्केटिंग की, वो आपने तो अपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, वो आपको पता है पब्लिश है, पर लोग आएंगे तब वो कीवर्ड रैंक होंगे। अब जो कीवर्ड आपने उस जो ब्लॉग के लिए ले रखे हैं वो उठाना है आपको, वो मीडियम पे जाके उससे बैकलिंक बनानी है एंकर टेक्स्ट वाले, वो टम्बलर पे जाके बनानी है, वो रेडिट पे जाके बनानी है, प्रोफाइल्स बनानी जाके तो प्रोफाइल्स में वो एंकर टेक्स्ट यूज करना है, और उसका फिर यहाँ पर देना है। पर लिंक बिल्डिंग में यही तो होता है कि अगर ऑथोरिटी लिंक बिल्डिंग करनी है तो गेस्ट पोस्टिंग में जहाँ से डोमेन पास होगा, फिर कंटेंट सिग्निफिकेशन करना है तो जहाँ पे कंटेंट फ्री में जा सकता है, पब्लिश हो सकता है, प्रोफाइल बनानी है वेबसाइट्स के लिए ताकि एक इंडेक्सिंग की पावर ही बने, क्योंकि कैश एक इंडेक्स करना एक रैंक करना दो अलग चीज होती है। इंडेक्स होने के बाद भी वेबसाइट रैंक नहीं होती है, इंडेक्स होना मतलब गूगल पर आ गई वेबसाइट, वो top 10 pages में कहीं पर भी होगी या नहीं भी होगी, क्योंकि रिजल्ट 10 page के आते हैं, अगर 10 page में नहीं है तो वो नहीं है, वो इंडेक्स होगी। अब रैंक तब होती है जब वो top 3 में आ रही है या top 10 में आ रही है, तब वो रैंक कहलाती कि रैंक हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है एक इंडेक्स होने में एक रैंक होने में। इंडेक्स तो वेबसाइट 100 रिजल्ट में कहीं भी शो हो रही है, कहीं पर भी शो हो रही है, चाहे 50th position पर है, 55th position पर है, कि गूगल ने पढ़ लिया क्या लिखा हुआ, बट रैंक क्यों नहीं हो रही है, तो वो अपन को देखना पड़ता है एनालाइज करके कंप्यूटर को। जो मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग में बताया कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी है, कंटेंट सिग्निफिकेशन करना है, बुक मार्किंग करनी है, उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, तब जाके ही तो वो बढ़ता है, जितने लोग जितने यूजर आएंगे। जो आप कह रहे हैं ना मीडियम पे जाके ब्लॉग डाल दिया, छोटी मोटी 100 या 150 200 वर्ड्स का कुछ भी है, कुछ छोटा पैराग्राफ डाल के वहां से लिंक दे दिया, रेडिट पे कर दिया, टम्बलर पे कर दिया, फ्लॉगी पे कर दिया, स्नैपशॉट पे कर दिया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती है। आप सिंपली गूगल पे लिख दो बुक मार्किंग साइट्स, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपको सब कुछ गूगल पर। उसके बाद में अगर 65 लिखा है 65 पे बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, 10 पे भी बन सकती है। ये एडिट हो गया जो मैंने आपको बोला, मिक्स है, उसके बाद बिश शुगर है, स्कूपिट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। पिंटरेस्ट में से इमेज सबमिशन साइट्स होती है, अगर इमेज को भी रैंक करवाना था गूगल पे तो इमेज सबमिशन करना पड़ता है, पिंटरेस्ट जैसी साइट्स पर, टम्बलर जैसी साइट्स पर, वहां पर आपको करना पड़ता है। हेलो, जैसे मैं आपको सिंपल से चीज बताता हूँ, सिंपल से चीज बताता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कोट यूज करे हैं बीच में, डबल इनवर्टेड कॉमास में वर्ड्स को लिखा है, तो डबल इनवर्टेड कॉमास यूज करने का मतलब ये कि मेरे को स्पेसिफिक वही रिजल्ट चाहिए जिनके अंदर ये दो वर्ड हो, उसके अलावा मेरे को रिजल्ट दूसरे अदर रिजल्ट चाहिए ही नहीं। अच्छा, देखो ये मीडियम मीडियम ये लिखे हुए है ना, कि ये वही रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये मीडियम की साइड पर मैंने बुक मार्किंग करी थी बहुत पहले, देख सकते हैं आप कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, ये एंकर टेक्स्ट यूज करके वेबसाइट का दे रखा है, तो ये बेसिकली बुक मार्किंग हो गई। वैसे आप यहाँ पर ब्लॉग भी सबमिट कर सकते हो, और ये गूगल पे इंडेक्स भी है, ये पिंटरेस्ट भी दिख रहा है आपको, ये पिंटरेस्ट तक दिखा रहा है,
पिंटरेस्ट की इमेजेस तक दिखा रहा है। अब आपने इस चीज मैं आपको एक चीज पूछ मैं जो भी व्यूवर्स है मैं उनसे चीज पूछता हूँ कि आपको जो मैंने सर्च किया ना उससे कुछ आइडिया हुआ कि मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी तो स्ट्रेटेजी में बिना टूल यूज करे मैंने बैकलिंक्स निकाल ली। हेलो या सचिन बाकी के लोग बोल नहीं सकते बट दे विल राइट देयर आंसर्स इन Q&A आंसर एरिया। वो मेरे यहाँ के क्यू है विजिबल नहीं है एक्चुअली उसमें क्वेश्चन सर वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। आई नो दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चंस टू यू। सो गाइस कैन यू जस्ट गिव अस अ फीडबैक टिल नाउ यू आर एबल टू फॉलो विद अस आर यू एबल टू फाइंड आउट द स्ट्रेटजीज बाय व्हिच यू कैन पुट इन योर वेबसाइट टू रैंक इट हायर। आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस समझ में आया, आपको लिंक बिल्डिंग समझ में आया, गेस्ट पोस्टिंग समझ में आया, बट गेस्ट पोस्टिंग विल बी कवरिंग लिटिल मोर अहेड, बट आर यू फॉलोइंग व्हाट सचिन इज टेलिंग। सचिन काफी अच्छा रिस्पांस है, सब लोग 100% बोल रहे हैं, दैट इज यस वी आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं मैं एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी अभी की स्ट्रेटेजी बताई लिंक बिल्डिंग कंप्यूटर एनालिसिस और कंटेंट मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट उसमें मैंने कुछ अभी यहाँ पर यूज करा है तो आपको कोई हिंट मिला कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने बिना कोई टूल यूज करे सामने कोई भी वेबसाइट की सारे लिंक्स निकाल दी उसकी होम पेजेस की भी निकाल दी। ये मैंने वेबसाइट का नेम क्या था सेव यूके वेबसाइट का नेम प्लस अब मेरे को देखना है कि उसमें कितनी बैकलिंक्स बना रखी जो गूगल पे लिस्टिंग डाल रहा हूँ ठीक है। ये येल बहुत बड़ा लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है हेलो यस यस कंटिन्यू सचिन पिनिंट्रेस्ट येल सब दिख रहे होंगे ना यहाँ पर येल लिखा हुआ तो येल बहुत बड़ा लिस्टिंग डायरेक्टरी सबमिशन वाला प्लेटफॉर्म है। ओके यहाँ पर लिंक बना हुआ है उस वेबसाइट का जो मैंने आपको दिखाई थी तो मैंने बिना टूल यूज उस लिंक बना ली जो मैं रेप्लिकेट इजीली कर सकता हूँ जो मैं इजीली रेप्लिकेट कर सकता हूँ। अब मुझे पता पड़ गया उसने येल पे यहाँ पर बना रखी है दिख गई आपको सारे अब पूरी मैंने खोल दी कि आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में दे सकते हो वेबसाइट का नाम आ रहा होगा स्टेव यूके तो मैंने बिना किसी टूल को यूज करे बिना कुछ करे सिंपली मैंने गूगल का यूज करा गूगल ने ही बता दिया कि उसकी लिंक इस वेबसाइट पर बनी हुई था आप यहाँ बना सकते हो। अपन इसका स्पैम स्कोर चेक करते हैं 3 है और DA76 जो काफी अच्छा है जैसे यहाँ पर लिस्टिंग हो गई तो आप लिस्टिंग की जगह पर प्रोफाइल भी यूज कर सकते हो। इशू पे प्रोफाइल बनी हुई है इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनी हुई है कोरा पे प्रोफाइल बनी है पिंटरेस्ट पे बनी हुई है जितनी जगह भी प्रोफाइल इसने फैच कर रखी थी गूगल ने वो सब मेरे को दे दी इसने हिंट में कि यहाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को या जो कॉम्पिटिटर मैंने चूज करा तो टूल यू नहीं है आप सब टूल पे रिलाय रहो जितना टूल के बिना करोगे उतना अच्छा कहीं ना कहीं टूल का यूज करना पड़ेगा पर जितना कम हो सके उतना अच्छा क्योंकि उससे आपके खुद के एक एनालिटिक स्किल्स होते हैं ना वो इम्प्रूव हो। आपने लिस्टिंग देख रही ये प्रोफाइल आ गई अगर अपन यहाँ कुछ और चेंज करते सपोज फॉरम डाल के देखते हैं तो फॉरम पे खैर कहीं कमेंटिंग या कुछ कर नहीं रहता तब इस तरीके से आपने कंप्यूटर की लिस्टिंग भी निकाल सकते हो प्रोफाइल भी निकाल सकते हो फॉरम भी निकाल सकते हो जो अवेलेबल होगा गूगल पे वो सब निकाल सकते हो। उसके बाद आपको फिर एक्स्ट्रा पर रिलाय करना पड़ेगा
बेसिकली ये सारी कंटेंट मार्केटिंग में गेस्ट पोस्टिंग ये सब होता है। अब बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कि कंटेंट मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कंटेंट बना के उसको मार्केट कर लिया इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वहां तो कुछ आपके फॉलोवर्स और वो पड़ेंगे। मेन होती है गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट आउटरीच। आउटरीच मतलब होता है कि जो भी थर्ड पार्टी बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, रिलेवेंट वेबसाइट हैं, यू नहीं कि भाई अपन अपना हबस्पॉट से मिलता जुलता तो मैं हबस्पॉट को रीच कर लूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो आपको राइट फॉर अस का ऑप्शन देगी, कॉन्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन देगी और वहां से आप लिंक्स दे सकते हो अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स पे। उसके स्टेप्स बहुत ईजी हैं, जैसे आपको स्टेप्स इसके अंदर मिल जाएंगे पर मैं आपको सचक करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नीश मान लो आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या डिजिटल डिजाइनिंग हो गई या एनिमेशन हो गया, मेरा कीवर्ड है एनिमेशन। डबल कोट में डालने का सेंस यही है कि वो रिलेवेंट देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, ना इधर के ना उधर के। कीवर्ड डाल दिया मैंने, उसके बाद मैंने इसमें डाला राइट फोर्स। राइट फोर्स मतलब वेबसाइट्स लिखती हैं जिनको अपने लिखवाना होता है, ऐसे राइट फॉरस भी हो गया, गेस्ट पोस्ट भी हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बाय राइट फॉरस द एनिमेशन हैज ग्लोबल ऑडियंस ऑफ 100 कंट्रीज। मतलब ये आपको राइट फॉरस का ऑप्शन दे रहा है, ये वेबसाइट 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 दे रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एनिमेशन बनाएंगे, आपको नीच चेंज करना है, एनिमेशन की जगह फैशन डाल दो। तो सचिन आप क्या निकाल रहे हो, जो वेबसाइट जिनके ऊपर हम लिख सकते हैं अपनी अपने मतलब बैकलिंक्स पे लिख सकते हैं, करेक्ट, जहाँ पर आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। गेस्ट पोस्ट बेसिकली होता क्या है कि आपने आपको पता है कि आपने किन 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 पे लिख रखा है, जिनका भी आप लिखोगे वो आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट ही होंगे। जैसे मेरी वेबसाइट अगर समझो कोई भी वेबसाइट अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, मैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड यूज लिखूंगा, एक्स टिप्स टू यूज दिस, एक्स टिप्स टू यूज दैट, how to use it, x benefits of using this cosmetic product, तो ये title होता है। मुझे पता है जो ये accept करेंगे वो same niche वाले ही होंगे, जो same में deal करते हैं, same content में content publish करते हैं अपनी websites पर। तो अगर मैं cosmetics की बात कर रहा हूँ, ये cosmetic कई वेब जिसके आप खुद देख सकते हैं कि I am fabulous cosmetics, उसके title में लिखा है cosmetics, ये उसके नीचे वाला गया राइट फॉर अस लुक फैंटास्टिक, तो लुक फैंटास्टिक क्या रिलेवेंस बता रहा है, जहाँ कॉस्मेटिक्स का यूज हो रहा है, जहाँ अच्छे दिखने का यूज हो रहा है, जरूरी नहीं कॉस्मेटिक्स का यूज हो रहा है, अच्छे दिखने का यूज हो रहा है, वो किसी से भी हो सकता है, बट उसने अपने डिस्क्रिप्शन में रिलाई कर रखा है हेयर कट और कॉस्मेटिक्स, तो ये इससे रिलेवेंट भी लेता है। आपको इसकी वेबसाइट को विजिट करना है हमेशा, जिस पे भी लिंक बनाएंगे उसका डीए आपकी वेबसाइट से ज्यादा ही होना चाहिए और स्पैम स्कोर कम ही होना चाहिए। ये वेबसाइट आ गई, अब आपको इसमें दिख रहा है कि राइट फॉर अस, मतलब ये बता रहा है कि मैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, ये मतलब नहीं कि तुम लिख सकते हो, मतलब ये एक्सेप्ट करता है, अपन इसको आउटरीच कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, गेस्ट पोस्टिंग तो बेसिकली वही हुई ना कि कोई और इंसान अपना पोस्ट लिख रहा है और उसमें हमारी लिंक भेज रहा है हमारी वेबसाइट पर, करेक्ट, राइटिंग फॉर अस। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा रिसेंट पब्लिश आर्टिकल दिखाता हूँ, जब देखते यहाँ पे लोगों ने COVID-19 का लिख के भी दिया क्योंकि वो ट्रेंड में था बहुत ज्यादा, इंपैक्ट ऑफ COVID-19 और ई-कॉमर्स। तो आपको क्या टाइटल के आइडियाज दूसरे ब्लॉग से मिल सकते हैं,
Sachin, are you scrolling or are you showing us something? Because we can't see anything happening on the screen. Oh, actually, we're not responding. Okay, actually. वो टैब एक सब खोल लिया। इसी सारे के सारे एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, न्यू पैकेजिंग करके है, ये यूके की वेबसाइट है। इसका आप डीए देखेंगे तो ऊपर 72 है, मतलब बहुत हाई डोमेन अथॉरिटी का वेबसाइट है और जीरो स्पैम स्कोर है। जितने इसने भी ऑप्शन दे रखा है आपको राइट फॉर अस का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कर्सर मेरा मूव हो रहा है। ये जितने भी ब्लॉग्स है ना, जितने भी ब्लॉग्स, ये सारे के सारे गेस्ट पोस्टिंग्स होती है, सारे के सारे। कि मेरी वेबसाइट पे मैं क्यों लिखूं जब मेरी अच्छी अथॉरिटी है और मैं लोगों को बोल सकता हूँ पब्लिश करने को, तो वो खुद पब्लिश करते हैं। जैसे ये है, अब इसके अंदर क्या हो रखा होता है, till then I'll just tell you what is guest posting. Guest posting means writing and publishing an article on someone else's website or blog. I offer this on my own website and do it quite a bit on other blogs. Agar kahin aisa likha hua hai that I want to offer it, that somebody come and write for us, then you can ask those people to guest post for you. Hello. Yeah, Sachin. You can see the screen now? Yeah. ये गेस्ट आर्टिकल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंकर टेक्स्ट लगे हुए। अपने इसको ओपन करते हैं ना तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट techdev.com, उसने हमें ब्लॉग का दे रखा है। इसने यहाँ क्या एंकर यूज करा, why is SEO vital on any website? जो यहाँ पर इसने एंकर टेक्स्ट दे रखा था ना जिस ब्लॉग का, तो वो रेलेवेंट ही है कि उसको इस कीवर्ड पर अपने इस ब्लॉग को रैंक करना होगा। अगर अपन ऐसा गूगल बिकॉन्स, जैसे किस कंट्री का है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो किस कंट्री से टारगेट कर रहा है, पर अपन इसका यूएसए का ट्रेंड देख लेते हैं। कोई भी डेटा नहीं है इसका। एक्चुअली गूगल ट्रेंड्स बहुत इशू क्रिएट करता है, कभी कभार सही चलता है और कभी कभार थोड़ा परेशान करता है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है कि जो वेरिएशन का कीवर्ड उन्होंने बनाया होता है ना, उस कीवर्ड के अंदर भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। कि अब उसको एसईओ फॉर वेबसाइट पर, एसईओ फॉर वेबसाइट भी डाल के देखेंगे ना अपन, तो उसका वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कवर कर रहा है और तो इसका ट्रेंड ये रहा। तो अब वो कहते हैं ना जैसे स्टेव यूके में स्टेव भी कवर हो रहा है और स्टेव यूके भी कवर हो रहा है, why SEO is vital for वेबसाइट में वो तो हो ही रहा है और SEO पर वेबसाइट भी कवर हो रहा है, तो वो उस तरीके से काम करती है, वो लर्निंग होती है। वो आप जैसे जैसे ऑन पेज करोगे ना, आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये एब्रीविएशन है, अगर थ्री वर्ड का कोई भी कीवर्ड है तो उसमें टू वर्ड कवर हो रहा है, फोर वर्ड का कोई भी कीवर्ड है तो उसमें टू वर्ड और थ्री वर्ड वाले कीवर्ड भी कवर हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, खाली ऐसी वेबसाइट्स रिसर्च करनी होती है अपने नीश में जो कंटेंट पब्लिश करती है और जो खुद दे रही है राइट फॉर अस का ऑप्शन। आपको राइट फॉर अस पे जाना है, सिंपली उनका ईमेल, वैसे ईमेल ढूंढना है, यहाँ पर इसका ईमेल आ गया। आप इसका एडिटर है डेविड विलियमसन, जो इसका ईमेल एड्रेस ये रहा, आपको उसको सिंपली पिच करना है। अब पिचिंग ईमेल होता है जो अपन सेंड करते हैं बेसिकली,
सेमरश में, सेमरश के अंदर पोजीशन ट्रैकिंग होती है, वहां से पता पड़ता है। वैसे बेसिकली अगर आप करना चाहें तो एक टूल होता है द नेम ऑफ अ बैकलिंक ऑफ माय वेबसाइट एंड आई एम आस्किंग द टू चेक द बैकलिंक्स www.iwh.com और इसकी कौन कौन सी बैकलिंक से आपको पता चल जाएगी। डोमेन अथॉरिटी 53 है, बैकलिंक्स है 2455 और ये हैं डू फॉलो वाले, रेफरिंग डोमेन है 337 21%। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बैकलिंक कहाँ कहाँ क्रिएट हो रही है। इधर रेफरिंग पेज, इधर और उन सबके डोमेन अथॉरिटी है। What is domain authority? Shows the strength of a referring website backlink profile compared to the others in our database on a 100-point scale. It is essentially a less granular version of Ahrefs ranking. URL rating. URL rating आपको 100 में से एक scale दिखाता है. If you analyze the domain, the homepage URL show. तो यहाँ पे ये आपको ये scale बता रहा है जिसमें से 100 में से एक कहां पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट रैंक करती है। दीज आर द प्लेसेस जहां पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं। अगर अब हम ये देखना चाहें कि उसकी एंकर्स क्या हैं, तो टॉप 5 एंकर्स उसके ये हैं। एंकर्स क्या होते हैं, जो एक टेक्स्ट लिखने के बाद उसको आप लिंक बना देते हैं, उसको हम लोग एंकर्स बोलते हैं। अभी डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स ये होता है कि जैसे अगर मैंने अपनी अपनी एक वेबसाइट है उसका बैकलिंक किसी भी दूसरी वेबसाइट पे बनाया है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है www.digitalworks.com और उसका मैंने अपना बैकलिंक एक अपने कस्टमर की वेबसाइट पे बनाया है, फॉर एग्जांपल www.mustangstocks.com। नाउ मस्टैंग स्टॉक्स पे जो मेरा बैकलिंक है, वहां पे अगर मैं क्लिक करती हूँ या वहां की अथॉरिटी मुझे वापस मिल रही है, आई एम गेटिंग द अथॉरिटी ऑफ दैट, आई एम एबल टू यूज द डीए ऑफ दैट वेबसाइट, तो वो डू फॉलो हो जाती है और वहां से मुझे वहां पे क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं एंड द कनेक्शन इज बीइंग सेट अप। लेकिन अगर हम कहें कि ये नो फॉलो है, नो फॉलो का मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट की अथॉरिटी, उसकी हमें जो डीए के बारे में बात करते हैं अभी सचिन, और जो स्पैम रेट है वो सब अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट इज अ नो फॉलो बैकलिंक। या सो ये एक डू फॉलो नो फॉलो और बैकलिंक के ऊपर है, जो कि आपको नीचे विंडो में दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। सिंपली वेबसाइट पे जाना है आपको, उस पर क्लिक करना है, वो आपको वेबसाइट पे ग्रीन सिग्नल वाले ईमेल्स निकाल के दे देगा। अच्छा, आप ईमेल्स निकालना, ईमेल्स इससे भी निकल जाते हैं और ईमेल वैसे वेबसाइट्स पर भी होते हैं। वैसे जीमेल के भी कुछ होते हैं, स्ट्रीक होता है, जीमेल स्ट्रीक होता है, जीमेल का एडऑन होता है जो वहां से भी निकल जाते हैं ऐसे। तो वो थोड़ा जिस तरह से रिसर्च करोगे ना, आपको बहुत सारी इतनी मिलती जाएगी। जब तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। मैं फ्रॉम क्वोरा कैन वी मेक बल्क बैकलिंक बिकॉज इट हैज अ हाई डीएपीए। फ्रॉम क्वोरा कैन वी मेक बल्क बैकलिंक्स, क्वोरा पे आप बैकलिंक बना सकते हैं बट वो नो फॉलो बैकलिंक देगा। क्या वो तो क्या? आपको सिर्फ क्वोरा आपको नो फॉलो बैकलिंक देता है। सचिन, अगर मुझे कोई मेरा एक बैकलिंक है किसी वेबसाइट पे और वो नो फॉलो है, तो अगर मुझे उसको डू फॉलो बनाना है तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे? आई जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट द पर्सन या कोई और भी तरीका? कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा पर्सन से, क्योंकि वो डू फॉलो बना, हाँ, कि वो डू फॉलो दे रहा है कि नो फॉलो दे रहा है, वो उसके ऊपर होता है। मैं जीपी भी करने जाऊंगा, मैं गेस्ट पोस्ट भी करने जाऊंगा, तो वहां पर वो कुछ उसको बताना पड़ता है। वैसे बताएंगे तो
नहीं तो वो डू फॉलो देगा, पर अगर वो पहले से नो फॉलो दे रहा होगा तो वो खुद डिफाइन कर देता है कि मैं नो फॉलो लिंक दूंगा यहाँ पर। तो डू फॉलो और नो फॉलो में एक डिफरेंस ये होता है कि डू फॉलो में जो पर्टिकुलर लिंक जूस होता है ना, अथॉरिटी होती है ना, वो ट्रांसफर होती है। नो फॉलो में ट्रांसफर नहीं होती। जैसे उन्होंने पूछा कोरा के ऊपर लिंक्स बनाया तो क्या होगा, बेसिकली कोरा क्या साइट है, क्यूए बेस्ड साइट है, वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कम्युनिटीज बनी होती है वहां पर, मैं खुद कम्युनिटीज में हूँ, मतलब वहां पर एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स में हूँ सचिन दलदार के नाम से। तो वहां पर जैसे कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो लोग आस्क मी करते हैं, मतलब उसमें एक ऑप्शन होता है जहां पर वो मुझसे पूछते हैं, तो वहां फेवरेबली मैं उनको आंसर देता हूँ, उसके साथ में अपने इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ। उससे क्या होता है, उनको आंसर मिल गया और मेरा इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक भी जनरेट हो रहा है वहां से। मुझे वहां पे लिंक्स से वेबसाइट के नहीं बनाने हैं या बनाने हैं, वो आपके ऊपर है, पर वो नो फॉलो ही दे रहा है और वो कॉन्टेक्ट करने पर भी डू फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कोरा है, वो बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसलिए आप वहां से यही करें कि अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी सर्विस के थ्रू लोगों की जो क्वायरीज को फुलफिल करें, जो क्वेश्चन आते हैं वहां से ट्रैफिक गेन करने की कोशिश करें, वहां आपको सब मिल जाएगा, कोरा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे ना सब कोरा पे मिल जाएंगे। मैं आपको एक सैंपल मेल दिखाता हूँ आउटरीच का, तो बहुत बेसिक सा होता है, ये बहुत बेसिक सा होता है, इसमें वैसे ये बेसिक सा है पर ऐसे बहुत सारे एडवांस लेवल के भी होते हैं। अगर पहले से अपनी बहुत सारी जीपी लाइव होती है, गेस्ट पोस्ट लाइव होती है, तो वो लिंक्स डालते हैं वर्क दिखाने के लिए अपना कि हमने ये काम पहले कर रखा है। तो ये बेसिकली आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी सा है, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, पर जितना खुद से लिखा हुआ होगा, जितना एक्सप्लेन करा हुआ होगा, वो ज्यादा फेवरेबल होता है। पर यहाँ पे क्या सबसे मेन चीज रहती है, सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन के बेस पर ही ईमेल क्लिक होता है। सब्जेक्ट लाइन शुड बी लाइक गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी, ईमेल फॉर इंक्वायरिंग अबाउट गेस्ट पोस्टिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर वेबसाइट्स, ऐसी कैची थोड़ी सी, बहुत अच्छी सी। उसमें बहुत सारे आपको हर्डल्स आएंगे फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा आया था स्टार्टिंग में, बहुत रिजेक्शन भी मिले थे, नहीं एक्सेप्ट। बाउंस रेट कितना होना चाहिए मैक्सिमम? एक्चुअली बाउंस रेट बहुत मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं हो तो अच्छा है, बिकॉज द मोर द बाउंस रेट इज देयर आर चांसेस दैट योर वेबसाइट गोज डाउन इन डाउन। हेलो, यस सचिन जी, वो वॉइस ब्रेक हो गया थोड़ा। हाँ सचिन, अब बात कीजिए। हाँ, तो क्या कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? हाँ सचिन, मैं रीड आउट कर रही हूँ क्वेश्चंस, अगर आप बता सको तो। जी जी जी, व्हाट इज आउटबाउंड बैकलिंक? आउटबाउंड लिंकिंग वही होती है जो बाहर से थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, एक्सटर्नल आउटबाउंड जो वेबसाइट के बाहर से आ रही है, इंटरनल इनबाउंड जो वेबसाइट के अंदर ही अंदर चल रही है। मतलब मैं अपने होम पेज पर अपने किसी सर्विस पेज का लिंक लगाता हूँ तो वो इंटरनल इनबाउंड लिंक होती है, बट थर्ड पार्टी वेबसाइट से ली हुई सारी लिंक जो बुक मार्किंग, प्रोफाइल सबमिशन और जीपी हो गए, ये सब आउटबाउंड लिंक्स होती है। और दूसरा है, कैसे हम, हाउ कैन वी ब्रिंग द बाउंस रेट लोअर? बाउंस रेट लोअर तो डिपेंड करता है, डिपेंड कंटेंट पर एंड हाउ रेलेवेंट योर वेबसाइट इज टू द क्वेरी। जितना कौन अब एक कोई भी पर्सन है वो वेबसाइट पर टाइम क्यों स्पेंड करेगा, जब उसका इंटरेस्ट उसमें लाए होगा, जब उसको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, एक इंटरेस्ट गेन हो रहा होगा, जब मैं वेबसाइट पर लैंड करता हूँ मुझे मेरी मतलब की चीजें नहीं मिलती तो मैं क्यों टाइम स्पेंड करूँ। आज जो भी एसईओ जनरल वाली वेबसाइट्स हैं, नील पटेल की वेबसाइट से, वहां पे इतना वो ग्राफ दिखाते अपना कि इतना सारा सेशन क्रिएट हो रहे हैं, सेशन क्यों क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग उसकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग डालता है, यूजफुल ब्लॉग्स डालता है जो एसईओ कम्युनिटी के लिए होते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी क्लिक once a website and keep it for a while and do not browse and the tab is left for couple of hours, then does it count the sessions?
एक्टिविटी क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रहा है उस पर, इससे एक पेज खोल के रख लिया, एक पेज खोल के रख लिया तो बस एक सेशन क्रिएट हो गया। बट आप समझते हो कि अपन लोग सोचते हैं बहुत ऐसे ट्रिक्स निकालते हैं कि आईपी चलाते हैं, वीपीएन चलाते हैं, अलग अलग जगहों से ट्रैफिक ले आएंगे, बॉट डाल देंगे तो उससे इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे गूगल में बॉट फिल्टरिंग भी होती है, गूगल एनालिटिक्स में सब कुछ होता है, एक्टिविटी होनी चाहिए, माउस चलना चाहिए, हमें दिख रहा है ये पेज दिख रहा है, ओनली दैट अभी कंटेंट नहीं दिख रहा है, कंटेंट अभी नहीं दिख रहा है। जैसे कि मेन क्या होता है, रियल टाइम में वो सब चीजें आती है जो रियल टाइम में वहाँ हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर बंदा अगर वेबसाइट पर आता है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उसकी लोकेशन क्या है, ट्रैफिक का सोर्स मतलब गूगल से आया है या कहीं और से आया है, कंटेंट मतलब किस पेज पर है, इवेंट बेसिकली क्या होते हैं, इवेंट बनाने पड़ते हैं GTM गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, कि भाई मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज पर एक इवेंट बना रखा है, कोई बंदा कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाता है तो एक इवेंट बनना चाहिए, एक गोल बनना चाहिए, तो वो सब कन्वर्जन इनके अंदर आते हैं, वो सब सारी चीजें इसके अंदर आती है। नहीं बोले ना, वो लोड होगा मैं बताता हूँ। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया है दैट माय वेबसाइट सेज PA इज इक्वल टू 7 एंड DA इज 3 एंड द स्पैम रेट इज 48%, सो व्हाई द स्पैम रेट इज हाई ऑन, एक क्वेश्चन है उन्होंने, स्पैम रेट उनका 48% है, 48% आपने कभी बैकलिंक एनालिसिस करेंगे ना, इसका बैकलिंक एनालिसिस में अशरफ में सारी बैकलिंक्स जितनी इस वेबसाइट के थ्रू बनी हुई वो सारी निकाल ली आप, जितनी भी ए टू जेड सारी, उन सब वेबसाइट्स का डी है, उन सब वेबसाइट का स्पैम स्कोर, तो जिन भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है या जो भी वेबसाइट इररिलेवेंट है, वहां से आपको अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स रिमूव करनी पड़ेगी, तब ही जाके वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि एक बार तो इतना ऊपर पहुंच जाएगी, इफेक्टिवली बहुत एग्रेसिवली बैकलिंक बनाते हैं ना लोग, तो दिन की 50-50 लिंक बना ली, तो दिन की 50 महीने की 50 होती है, महीने की 50 भी नहीं 25-30 होती है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा लिंक बनाएंगे ना, यूं नहीं है कि हम लिंक बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, उससे कुछ नहीं होता, दिन की कितनी लिंक बना लेंगे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, बट कंटेंट तो है ही नहीं वेबसाइट में, कॉन्टेंट तो बहुत बेकार है। अब लोग वैसे पूछते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट रैंक कर रही है प्रोडक्ट पे, हमारी नहीं रैंक कर रही, अमेजोन का DS कहाँ है, 90 से ऊपर DS वेबसाइट, उसकी ऑथोरिटी कितनी बिल्ट है उसकी, आप ये सब छोड़ो, एक माउथ पब्लिसिटी ही कितनी बिल्ट है उसकी, इमेज क्या बनी हुई गूगल की आंखों में, वो सब एक वो उसकी 16-17 साल की मेहनत, एक डोमेन एज भी आ जाती है, भले डोमेन एज फैक्टर नहीं होता है बट कहीं ना कहीं वो चीज रिलाय करती है कि हाँ ये फैक्टर है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो यही होगा कि बैकलिंक का पूरा आपको एनालिसिसमेंट करना पड़ेगा, सारी बैकलिंक निकाल देंगे अशरफ के थ्रू, ना जो मैंने बताया था इस तरीके के थ्रू, सबका स्पैम स्कोर चेक करना है, DA चेक करना है, लोअर DA 10 से कम DA 15 से कम DA वाली वेबसाइट हटा दो, जितना स्पैम स्कोर ज्यादा वाली वेबसाइट है, 5 से ऊपर स्पैम वाली वेबसाइट है सारी रिमूव, 5-10 से ऊपर सारी रिमूव, एक प्रपोर्शन होता है, अगर 50 DA है वेबसाइट का तो 10-15 का स्पैम स्कोर चलता है, पर यू नहीं कि भाई DA ही उसका 10-15 है और स्पैम स्कोर उसका 16-17 है या बहुत पास है, मतलब एक 30-40% का फ्लक्चुएशन होना चाहिए उसी से। हेलो या सचिन, तो मैंने अभी इनका जो उन्होंने वेबसाइट का नेम डाला उस पर मैंने सर्च किया, तो 13-6 उसकी बैकलिंक्स में जाओगे ना, सॉरी आप उसकी बैकलिंक्स में जाओगे ना, हाँ अशरफ खोल रखा है आपने, अशरफ या अब देखो अशरफ खोल रखा है, आप उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऊपर बैकलिंक्स आ रहा होगा, फिर न्यू एंड ओल्ड दोनों आ रहा होगा, पर उसमें स्पैम रेट नहीं आ रहा है किसी भी वेबसाइट का, स्पैम रेट ऐसे नहीं होता, स्पैम रेट आपको मोस्ट से बता पड़ेगा, मोस्ट से तक अच्छा मोस्ट बार है, और कभी कभार क्या होता है टेक्निकल ग्लिचेस इतने सारे होते हैं वेबसाइट के अंदर, कॉन्टेंट ही बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, वेबसाइट का डोमेन किस और चीज को रिफ्लेक्ट करता है, पेज किस और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अंदर कुछ और रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे तो ऐसे कॉम्प्यूटर भी थे जिन्होंने बहुत इररिलेवेंट वेबसाइट्स पर लिंक बना रखी थी,
इरिलेवेंट, मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स रिलेवेंस चले जाती है, तो वैसा भी काम नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो पूजा, द ओनली सजेशन टू यू इज आप अपने बैकलिंक्स चेक करिए और अपना कंटेंट जो है वो चेक करिए, क्योंकि कंटेंट किसी भी इररिलेवेंट वेबसाइट पे ना हो और कंटेंट जो लिखा हो वो भी सही तरीके से लिखा हो, क्योंकि 48% स्पैम रेट इज वेरी वेरी हाई विद ओनली 6 बैकलिंक्स। स्पैम जो अगर कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है, कैनिबलाइजेशन हो रखा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज है, कॉमन है बहुत सारे अंदर अंदर पेजेस के। अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ सचिन, मैं जब नोवो कंसल्टेंसी का बैकलिंक चेक कर रही हूँ तो वहां पे सारे बैकलिंक से इनको नो फॉलो है, तो नो फॉलो से फिर हम स्पैम रेट तो इनके किसी भी और बैकलिंक की वजह से तो नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है आपकी आवाज ब्रेक हो गई सचिन, इनका जो मैंने हैशरेफ किया ना तो उसमें बैकलिंक की प्रोफाइल खुली तो 6, देर आर ओनली 4 बैकलिंक्स, ठीक है, तो वो सारे 4 बैकलिंक्स है इनके जो है वो नो फॉलो है, नो फॉलो बैकलिंक्स है, तो फिर इन बैकलिंक्स की वजह से तो नहीं मिल रहा है इनको स्पैम रेट हाई, इनकी खुद की वेबसाइट पे कुछ ऐसा हुआ हुआ है जिसकी स्पैम रेट हाई है। एक रेप डिकर करके है एक जिसकी वेबसाइट पे है और एक JEWJEWJEW.com है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट किस नेम पर है, मतलब क्या नाम है, डोमेन नेम क्या है, बताओ ना। NovoConsultancy.com स्पेल आउट करेंगे, NU हाँ VO VO Consultancy CON तो इनका स्पैम रेट 48 है, DA3 है और पहले सबसे बड़ी बात है SSL सर्टिफिकेट ही नहीं वेबसाइट के अंदर, तो मेन चीज तो यहीं पे देखो आपकी, ये एक टेक्निकल ग्लिच तो यहाँ पर ही पता पड़ गया। टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है, कैनोनिकल नहीं है, हेडलाइंस ही नहीं है वेबसाइट के अंदर, और टेक्स्ट ही नहीं, पूरी वेबसाइट ही खाली है, ये और बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच। अच्छा ये इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका होस्टिंग सर्वर क्या है, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपका जो है स्पैम रेट ज्यादा हो सकता है। नहीं नहीं सर्वर से क्या, सर्वर से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि होस्टिंग सर्वर अगर आपका ट्रस्टवर्दी सर्वर है तो आपका जो है चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग स्पैम रेट हायर कुड बी द चांसेस, इज इट। गूगल का मेन फोकस URL पर होता है, अब वो .com है, .in है, .uk है, .io है, वो सब तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, होस्टिंग में से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो थोड़ी देखने जाएगा कि उसको इस वेबसाइट से होस्टिंग मिल रही है, वो कभी नहीं देखा जाएगा। कुल वेबसाइट पे 25 पेज है, कॉमन कंटेंट भी 31% तो कॉमन कंटेंट है, एक पर पेज आ रही है, इन लोगों ने लिंक है वेबसाइट पर, टेक्निकल इश्यूज तो बहुत सारे, ब्रोकन लिंक्स ही 5 बता रहा है 404। सो बेसिकली पूजा आपकी वेबसाइट पे ना टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा है, और इन्हीं का वो क्वेश्चन था सचिन जहाँ वो पूछ रहे थे कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट में वापस रीडिजाइन कर दिया तो मेरी जो रैंकिंग बनी हुई है वो वापस से तो नहीं जीरो तो नहीं हो जाएगी। So, पूजा तो ओनली सजेस्ट कीवर्ड पर रैंक कर रही है, वेबसाइट किस कीवर्ड पर रैंक कर रही है पूजा, कुछ जस्ट टेल अस।
ये वो जब तक बता रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हो सचिन, इनको अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करनी चाहिए बिकॉज दे ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ ग्लिचेस ऑफ देयर वेबसाइट? किस कीवर्ड पे कहाँ रैंक कर रही है ये तो मुझे आप ही बता पाओगे कि क्या किस कीवर्ड पे, बेसिकली दिस इज अ फार्मा कंपनी, अभी आईटी सॉल्यूशन फॉर आर्टवर्क मैनेजमेंट, ये फार्मा कंपनीज के लिए भी आईटी सॉल्यूशंस देती है, मतलब फार्मा कंपनी के लिए ऑडिट और उसमें हेल्प करती हैं और रजिस्ट्रेशन में। सो वेट, पूजा हैज आंसर समथिंग, क्या क्या वापस रिपीट करेंगे आप? सॉरी, ये फार्मा कंपनीज के लिए क्या, सॉरी सचिन प्लीज कंटिन्यू। ये ऑल राइट, रिजर्व नोवो कंसल्टेंसी 2012-2013, 7 साल हो गया। हाँ, इसकी वजह से वो ये तो नॉर्मली हर साल चेंज होना चाहिए आपको। रीडिजाइन तो नहीं है, पर फिर भी हाँ आप डिजाइन करें, बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड कौन सा है, कहाँ है। फार्मा के लिए ये कंपनी है तो फार्मा कंसल्टेंसी देती है, मतलब काइंड ऑफ पर मुझे लगता नहीं है कि किसी पे अभी ये हाल फिलहाल रैंक हो रही होगी, क्योंकि इसके ऑन पेज में इतने इतने ग्लिच है, ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इस पे। वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन, कैनोनिकल हेडलाइंस कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से अगर ये लिखा हुआ ना इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिक फॉर ग्लोबल बिजनेस, अगर मैं ये भी देखता हूँ ना, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा। सचिन आपकी वॉइस चली गई, सॉरी। मतलब H1 तक मेन जो हेडलाइन है वेबसाइट की, वो तक H1 में नहीं है। अगर अपन कोड में देखते तो वहां पर स्पैन लगा हुआ, H1 लिखा हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पर अपन चेंज करते तो वहां पर हमेशा H1 लिखा होता। स्पैन टैग मतलब ये होता है जो साइज होती है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी। वैसे ये H1 की साइज होती है, H2 की साइज डिफरेंट होती है, H3 की साइज डिफरेंट होती है। अपन एक चीज दिखाता हूँ मैं, सब कह रहे हो कि वो इसलिए नहीं रैंक कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो ऑन साइट कंटेंट है वो नहीं सही तरीके से लगा हुआ है, और बैकलिंक्स जो है उनसे तो सारा नो फॉलो है। तो पूजा, वैसे भी आपको कोई वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही है बैकलिंक से, ना ही स्पैम में, ना ही अथॉरिटी में, और ये बहुत पुरानी वेबसाइट है 2012, which should be updated every year, correct? अब मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके H1 करा है, ठीक है? अच्छा, we can do the changes as well. Temporary changes, मतलब ये अपन suggestions देने होते हैं ना किसी को भी कि header इस तरीके से नहीं, तो मेरे को इसको H3 H4 करना है। जब मैं यहाँ पे H4 करता हूँ ना, तो देखो उसका उसका वो abbreviation ही change, spacing ही change हो गई। वो नीचे चली गई क्योंकि वो उस अकॉर्डिंग साइज पर बैठ गई। मैं रीलोड वापस ऐसी हो जाएगी। परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहे हैं ये जो भी वो कर रहे हैं सचिन, ये सिर्फ अपने एंड पे, अपने लोकल पे वो जो चेंज कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि H1 किया तो ऐसा हुआ, कैसा लगा सबको सेशन। सो आई जस्ट शो द रिजल्ट टू एवरीवन, यू हैव गॉट 4.3 रेटिंग आउट ऑफ 5, और सब लोगों ने क्वेश्चन है Q&A में आंसर किया है कि दैट इट इज एन अमेजिंग सेशन। इनफैक्ट आई ऑल्सो फेल इट इज एन अमेजिंग सेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली जो कि काफी चीजें मुझे पता थी बट काफी चीजें मुझे नहीं पता थी जो आपके सेशन से पता चली, एंड जो मेरे क्लाइंट जो ऑडियंस है उनको बहुत सी चीजें नहीं पता थी इसमें से। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस सो मच इन डेप्थ एंड इन अ वेरी इजी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Kindly like, share and comment on the video.